हमेशा चर्चा में रहने वाले मिर्ची बाबा अब दुष्कर्म केस में फंस गए हैं। उन्हें भोपाल की महिला अपराध शाखा ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस शासन काल में मिर्ची बाबा को मंत्री का भी दर्जा मिल चुका है। अब भोपाल की रहने वाली महिला ने बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक महिला जनवरी महीने में बच्चा ना होने की शिकायत को लेकर मिर्ची बाबा से मिली थी। इसके बाद दोबारा मिर्ची बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्रसाद के तौर पर भभूति खाने को दी। महिला का आरोप है कि वो भभूति खाकर बेहोश हो गई और उसके बाद उनके साथ रेप किया गया। महिला के आरोप पर मिर्ची बाबा के खिलाफ धारा 376, 506 और 342 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। महिला अपराध शाखा में दर्ज एफआईआर के मुताबिक महिला को जब अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली तो उसने उसका विरोध किया। तब मिर्ची बाबा की ओर से उस महिला को जान से मारने की धमकी मिल गई थी। महिला थाने में अपराध रजिस्टर्ड है सेक्शन 376 के तहत और इसमें महिला के द्वारा रेप के चार्जेस लगाए गए। क्या शिकायत थी महिला की, कब ये घटनाक्रम हुआ और कब उसने शिकायत की है? हमारे पास तो कल ही कंप्लेंट आई है, उसे के तहत हमने रजिस्टर्ड किया है। मैटर यही है कि उसे बच्चे नहीं हो रहे थे शादी के कई साल बाद भी, इसके संपर्क में, इस वजह से संपर्क में आई थी बाबा के और इसी का फायदा उठा के अपराध इसी का फायदा उठा के दुष्कर्म कार्य के लिए। कब की घटना है मैम? केस काफी देर बाद रजिस्टर करवाया आपने, पूछा महिला? कल शिकायत हुई हमारे पास पहली बार और कल ही अपराध रजिस्टर्ड हो गया। कोई पुराना मामला या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। महिला के साथ जो घटना हुई वो काफी पहले हुई है, जनवरी या जुलाई की बात है। लेटेस्ट मैटर है थोड़ा सा, वो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे ही मैटर आएंगे आपको बताएंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है मैम? गिरफ्तारी भोपाल में हुई है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि मिर्ची बाबा के डर और लोक लाज के भय से उसने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। वहीं सोमवार को पीड़ित ने महिला अपराध शाखा जाकर अपनी आपबीती पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने रात को 9 बजे एफआईआर दर्ज की और आनन फानन में एक टीम ग्वालियर रवाना हुई। हालांकि इससे पहले ग्वालियर पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई थी, जिस पर सोमवार देर रात ही मिर्ची बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद महिला अपराध शाखा और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ग्वालियर पहुंची, जहां से मिर्ची बाबा को उनके सुपुर्द कर दिया गया। हाल ही में मिर्ची बाबा ने बढ़ती महंगाई पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित बयान दिया था। केंद्र पर निशाना साधते हुए मिर्ची बाबा ने कहा था कि एक समय था जब देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें सिर्फ 400 रुपए हुआ करती थी। उस वक्त यही स्मृति ईरानी सड़क पर डांस करती थी और आज रसोई गैस की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। तब स्मृति ईरानी चुप बैठी हुई हैं। इसके अलावा मिर्ची बाबा ने स्मृति ईरानी की बेटी को भी निशाने पर लिया था। इससे पहले भी अपने कई बयानों को लेकर मिर्ची बाबा सुर्खियों में रहे हैं। अब दुष्कर्म केस में उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।